खड़े थे एकदम बढ़िया उसी पोजीशन में। बहुत अच्छा अच्छा कवि सम्मेलन, सच बता रहा हूं, बहुत दिनों बाद मुझे लगता है 50-60 कवि सम्मेलन निकल गए होंगे, तब ऐसा ऊर्जावान कवि सम्मेलन मैं देख सुन पा रहा हूं। आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। जहां वातावरण 3 डिग्री टेम्परेचर में चल रहा हो, ऐसे समय में ऐसी ऊर्जा उल्लास, थोड़ा बहुत हीटर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में कहीं ना कहीं ऊर्जा ये मिलती है कि जहां मैं तो उनको सैनिक ही कहता हूं, मैं तो उनको सेना का जवान कहता हूं, जहां सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा सैनिक दुश्मनों से लड़ने के लिए तैनात रहता है, तो वहां हमारे जैन मुनि भी इस कड़कड़ाती सर्दी में, जहां हम लोग इतने कपड़े पहन करके भी दांत किटकिटाते हैं, वो कितने निष्प्रह भाव से विहार करते हैं, जैसे वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता हो। एक बार तालियां उनके चरणों में पहुंचे साहब। अच्छा लगता है, दुपट्टे आपने सबको उड़ाए, दुपट्टे अपने तैयार रखिएगा। मेरी जिंदगी में भी 8 लाइनें ऐसी आई जिनको मैं जिंदगी की श्रेष्ठतम 8 लाइनें कहता हूं। मैं सिंधी समाज का होने के कारण आज अगर हमारा परिवार शराब और नॉनवेज तमाम चीजों से दूर है, तो उसके पीछे उसका सारा श्रेय जैन समाज और जैन मुनियों को जाता है साहब। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। मैंने कहा वो कीमती 8 पंक्तियां देना, कुछ लोग जा रहे थे, मैंने कहा जाते जाते वो 8 पंक्तियां लेकर के जाए जो मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल पंक्तियां हैं। जैन कौन है? केवल आपके आशीष जैन या विनोद जैन या छाजेड़ या लिख देने से जैन नहीं हो जाता। मैं कहा करता हूं जैन कौन है? जिसके पास हो जैन मुनियों के कीमती संदेशों की थाती, जिसके पास हो प्रेम अहिंसा दया करुणा की पावन पाती, और जो केवल एक पशु के कटने की खबर मात्र से सुनकर के हो जाता बेचैन है, मेरे ख्याल से भाई साहब बस वही जैन है। बस वही 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 जैन है। जैन होना केवल नाम लिखने से नहीं हो जाता साहब। आप जैन मुनि के आगमन की सूचना सुनते हैं, आचार्य सत्संग आ रहे हैं, तो आप अपने किसी आदमी को कहते हैं भाई साहब दुकान देखना, और दौड़े चले जाते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर नंगे पैर, और जब अपने मुनियों के पैरों के छाले देखते हैं तो आपकी आंखें द्रवित हो जाती हैं, और आप उनके साथ 15-20 किलोमीटर तक चले जाते हैं। ये केवल और केवल जैन समाज में देखने को मिलता है साहब। अपने संतों से, अपने मुनियों से कोई समाज इतना प्यार नहीं करता जितना आप प्यार करते हैं साहब। तब मेरे कीमती 8 पंक्तियां, अपने दुपट्टे तैयार रखिएगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे उड़ाने के लिए, आप अपने मुनियों को इतना प्यार करते हैं। ये 8 पंक्तियां मेरी जिंदगी में कब आई? जब बार बार जिक्र आया, अखिलेश द्विवेदी ने भी कहा आशाराम बापू जेल गए, ये जेल गए, ये बाबा जेल गए, वो बाबा जेल गए। मैं सागर के पास केसली करके एक छोटी जगह है जहां आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी स्वयं विराजमान थे, 3री मंजिल पर उनका आवास था। थोड़ी देर ये रुक जाएंगे। 3री मंजिल पर उनका आवास था साहब, और उसी दिन आशाराम बापू को जोधपुर जेल भेजा गया, तो टेलीविजन पर बहस चली। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो टेलीविजन पर बहस चलती है, 4-6 लोग बैठ जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो 4-6 लोग आपस में बहस कर रहे थे कि अगर संतों का ये आचरण है तो एक आचार संहिता बननी चाहिए कि संत क्या करें और क्या ना करें। मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आया था, मैं उनके पैरों में मैंने भूरे भूरे बड़े बड़े छाले देखे थे, लेकिन आंखों में तेज देखा था, चेहरे पर तेज देखा था। मुझे लगा वो मुनि अगर आदेश दें कि मैं जहां पर विहार करूंगा, जहां पर पदयात्रा करूंगा, तो सड़कों पर सोने की परतें बिछी होनी चाहिए, तो जैन समाज इतना सक्षम है कि गुरुवर की इच्छा एक दिन में पूरी कर सकता है साहब। ये वो समाज है, पूरा जैन समाज का एक परिवार अगर चाहे तो पूरा कर सकता है, इतना सक्षम है ये जैन समाज। मैंने बहुत धनी परिवार देखे हैं जैन के, लेकिन वो गुरुवर तो गुरुवर हैं साहब, कभी छुआ नहीं। तब मैंने कहा आचार संहिता बनी हुई है, वो केसली का मंच, पीछे बैकड्रॉप पर बड़ा सा गुरुवर जी का फोटो लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। तब मैंने आप सबकी हिम्मत लेकर के कहा कि आचार संहिता तो बनी हुई है, केवल एक और देखने की जरूरत है, आचार संहिता को बजाने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो कीमती 8 पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखी। थोड़ी देर बाद पढ़ता, लेकिन कुछ लोग जाने को उद्यत हुए, तो मुझे लगा सुनकर जाएंगे तो मुझे अपनी जिंदगी सार्थक होती हुई प्रतीत होगी।
बस केवल दो मिनट की शांति का परिचय देंगे और वो आठ पंक्तियां आपके गुरुवर के श्री चरणों में रखता हूं कि संत वो जब उन्होंने कहा कि आचार संहिता बनाने की जरूरत है तब शायद उन्होंने ही कहलवाई होगी कि संत वो जो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो। क्या है संत? संत वो जो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो, जो स्वभाव में विनम्र और बर्ताव में कबीर हो, वो चले पदयात्रा करे तो उसमें नदी झील झरने समंदर और घाटी दिख जाए, वो कलम उठाए तो सहसा महाकाव्य मूक माटी लिख जाए, वो जिसके चेहरे पर देवताओं जैसा आभा मंडल हो और जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल हो, जिसकी 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 जायदाद जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल हो। बस बस एक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं फिर से पढ़ देता हूं, ये आ गया कि संत वो बस आपने दोबारा के लिए कहा, आ जा चलिए दोबारा के लिए कहा है तो तालियां उससे दुगनी तिगुनी होनी चाहिए। ये एक मेरी छोटी सी शर्त है कि संत वो एक भी हाथ खाली ना रहे। आप लोग अपने गुरुओं को जान से भी ज्यादा चाहते हैं अपने संतों को, कि संत वो जो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो, जो स्वभाव में विनम्र और बर्ताव में कबीर हो, वो चले पदयात्रा करे तो उसमें नदी झील झरने समंदर और घाटी दिख जाए, वो कलम उठाए तो सहसा महाकाव्य मूक माटी लिख जाए, वो जिसके चेहरे पर देवताओं जैसा आभा मंडल हो और जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल हो, जिसकी जायदाद जिसकी जायदाद जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल हो। कांटे कंकर धूप गर्मी देखा है मैंने, कांटे कंकर धूप गर्मी, पदयात्रा हेतु आसान कोई भी राह नहीं, कहीं भी कभी भी किसी से कुछ भी पाने की कोई भी चाह नहीं, सिर्फ देने देने और देने की इच्छा मन में पले, संकल्पों से आहार मिले तो ठीक नहीं तो आगे चले, ऐसा व्यक्तित्व स्वयं अपने आप में ईश्वर का अंश और दरवेश होता है। उसके पास कोई जायदाद नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, इसके बाद भी तो उसके चरणों में ये पूरा देश होता है, उसके बाद भी उसके चरणों में ये पूरा देश होता है, उसके बाद भी उसके चरणों में ये पूरा देश होता है। साहब ये हैं हमारे जैन मुनि साहब। मैं सच बता रहा हूं, मैं कहा करता हूं कि अगर इन जो तथाकथित बाबा हैं इन्होंने एक दिन भी अगर जैन मुनियों जैसा गुजार लिया होता तो किसी के भी जेल जाने की नौबत नहीं आती। भाई साहब ये सीखने की जरूरत है उन सब से। आइए मैं आपके अपने शहर के यशस्वी गीतकार जिन्होंने पूरे देश में आपके फिरोजाबाद का नाम किया है, मैं चाहता हूं एक बार आप तालियां बजाएं यशपाल यश के लिए, जिनका यश और कीर्ति बिखरी पड़ी है पूरे देश में चारों ओर। यशपाल यश आए और अपने गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद हम पंडित वेद व्रत वाजपेयी जी को भरपूर सुनेंगे। जबरदस्त मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वागतम आप सबको प्रणाम करता हूँ। जब गौरी कविता पढ़ रही थी और सुंदरानी के साथ जो भी कुछ चल रहा था आपको बहुत आनंद आ रहा था, मैं भी बैठा बैठा यहाँ सोच रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया तो एक लड़का सुंदरानी, हाँ प्रमोद भाई साहब, एक लड़का मुझसे कह रहा है यार कि ये लड़की जो आई है भाई साहब बहुत सुंदर लड़की लेके आए हो आप। मैं आपसे बिल्कुल देखो मेरी आदत नहीं झूठ वूट बोलने। मैं जब गया, जब वो अनिल भाई साहब गए उससे अंदर बाहर गया तो मुझे मिल गया, बोले भाई साहब नमस्कार। मैं नमस्कार बोल, बोले भाई साहब बहुत बढ़िया लड़की लेके आए हो आप, बिल्कुल जिस समझ लो दिल ले गई। मैं आके बैठ गया और मैं उसकी बात मेरे दिमाग में चलने लगी, मैंने लिखा है कहीं नहीं है मेरे दिमाग में ही है वो गीत स्वागत, मैं कहीं भूल भूल जाऊं। देखो तुम्हारे शहर की इज्जत का मसला है जो सब बाहर के लोग हैं। स्वागतम, मेरी कभी आदत नहीं कि मैं कहूं कि ताली बजाओ ताली बजाओ, कोई आप ताली बजाने वाले लोगों क्या बताओ, आप अच्छे भले लोग हैं, बेहतरीन कविता सुनने वाले लोग हैं। स्वागतम, जहां बात मेरी आपके मन तक पहुंचे तो ताली बजाना, बिल्कुल नहीं शांति के साथ बैठे रहना। आप देखिए जी, गौरी कह रही थी कि नैनीताल कर दूंगी मैं फिरोजाबाद को, कहा इसने। अब उस लड़के को ध्यान रखो,
और मैं वैसे ये कहता हूं कि प्यार मोहब्बत करना मत, बनना मेरी जैसी स्थिति हो जाएगी, ये बहुत बुरा रोग है। अब वो गीत सुन लीजिए मेरे दिमाग में, स्वागत, और कृपा करना भगवान की दुआ से दुआ करना कि मैं भूल ना जाऊं। हंसते 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 दिल ले गई रे, हंसते हंसते दिल ले गई रे। देखो अब मजा आएगा आपको कि हंसते हंसते दिल ले गई रे, नैनों से क्या क्या कह गई रे, नैनों से क्या क्या कह गई रे, हंसते हंसते दिल ले गई रे, नैनों से क्या क्या कह गई रे, चंचल चित चोर उमर वाली एक लड़की नैनीताल वाली। बहुत अच्छे, अब जब ले गई दिल तो हुआ क्या, तरीन एकदम, उन एहसास को जीने की कोशिश करना। वाह, क्या हुआ कि उसकी खुशबू ने छुआ मुझे, उसकी खुशबू ने छुआ मुझे, धड़कन बोली कुछ हुआ मुझे, धरती पर पांव नहीं पड़ते, मौसम देता है दुआ मुझे, कल गोलू जी के मंदिर पर कल गोलू जी के मंदिर पर है मुझसे वो मिलने वाली, मेरा चैन चुरा के ले गई रे एक लड़की नैनीताल वाली, एक लड़की नैनीताल। भाई क्या बात है, और फिर क्या हुआ, जिंदाबाद। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप, इसके पहले तालियां तो एक बार बजाई दीजिए झूम के, मजा आ रहा है यश भाई, बहुत अच्छे। कि फिर रस भीने अनुबंध हुए, फिर रस भीने अनुबंध हुए, एहसास गीत गोविंद हुए, मन का पगलाने लगा सुआ, अधरा मधुर मुमकरंद हुए, तन चंदन बन सा महक उठा, तन चंदन बन सा महक उठा, बहकी मन की डाली डाली, मेरा चैन चुरा के ले गई रे एक लड़की अल्मोड़ा वाली, एक लड़की देवभूमि। वाह 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 वाह, ये यशपाल, यश का तो जन्म ही सार्थक हो गया भगवान की कसम। यार मैं क्या, देखो मेरी आदत नहीं है ये इस तरह की बातें करने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यश भाई, क्या दिल ले गई, अब तो वाकई समझ में आ, दिल ले गई नैनीताल वाली, क्या बात है। और ये गोलू जी का मंदिर कहाँ है, और गौरी से पूछ कहाँ है, नैनीताल में ही है गोलू जी का मंदिर, मैंने ऐसे ही दिमाग में लगाया। हाँ बंद और सुनो, स्वागत यश। कि फिर हम गोराए बाग हुए, फिर क्या हुआ, फिर हम बोराए बाग हुए, संयम तोड़े बो राग हुए, तन रंगा रंगा मन अंतर तक, हम रंग रंगीला भाग हुए, जीवन के मरुथल से आकर, जीवन के मरुथल में आकर, बरसी बन कर बदली काली, मेरा चैन चुरा के ले गई रे एक लड़की नैनीताल वाली, एक लड़की नैनीताल वाली। देखो मेरे को अपने शहर की इज्जत बचानी थी, मेरे ही शहर में आके फिरोजाबाद को नैनीताल कर दे तो मैं नैनीताल को फिरोजाबाद में नहीं धर दूं। बहुत अच्छे यश, आपकी तालियां कमजोर है उससे आपसे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद यश। बहुत 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 बढ़िया, क्या बात,
ये देखो मैं सोचा मैं सोच रहा था कि अवतार हो गया। अरे वाह एक दुपट्टा आकर के मेरे सीने से लिपट गया। वाह क्या बढ़िया क्या बात। देखो मैं भटकाऊ देखिए मैं भटकना नहीं चाहता लेकिन मैं आज मैं जो सोच रहा हूँ कि वो यशपाल जो आप सुनते रहते हैं वो ना सुने मैं कुछ और दूसरे ढंग का यशपाल हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चूड़ियां पूरे देश में सुनाते सुनाते मतलब जो है कि इतने बेच रहा हूँ कि जितनी आप बना नहीं रहे। अच्छी बात है अच्छी बात है। इतनी बना नहीं रहे जितनी मैंने बेच डाली। बहुत बढ़िया। अभी वो पाकिस्तान और ये वो जो कर देंगे हम गर्दनें काट देंगे हम जुबान काट देंगे हम। मैं आपकी तरफ से कहता हूँ पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं। सही है। उसके लिए सिर्फ 3.5 लाइन है। 3.5 पूरी चार भी चार भी नहीं है उसके लिए। और 3.5 लाइन में अगर निबट जाए और इस पे पूरा स्वाभिमान फिरोजाबाद का पूरा स्वाभिमान आ जाए तो फिर एक भी हाथ खाली नहीं रहे। स्वागतम। और एडवांस पेमेंट करना मत। क्या हुआ था कि 1 लाख सैनिकों पे डलवाए हथियार। 1 लाख सैनिकों पे डलवाए हथियार मार मार चेहरा बिगाड़ दिया कई बार। 1 लाख सैनिकों पे डलवाए हथियार मार मार चेहरा बिगाड़ दिया कई बार। अभी तुझे छोटा भाई मानते हैं इसलिए कारगिल में गालों पे तमाचे माचे चार चार। वाह। अभी छोटा भाई तुझे मानते हैं इसलिए कारगिल में गालों पे तमाचे मारे चार चार। और लगता है आखिरी हिसाब अभी बाकी है। इस्लामाबाद को फिरोजाबाद काफी है। इस्लामाबाद को फिरोजाबाद काफी है। क्या जरूरत है फिरोजाबाद ही काफी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए ये 2-3 महीने में लेकिन उन्हें सब्र ही नहीं है। समझो कि अभी बहुत सारे बची हैं। क्या बात है लगे। बहुत बढ़िया यश। लेकिन जब 370 उन्होंने खत्म की मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं मैंने कभी भी मोदी जी की तारीफ नहीं की। मोदी जी पे मैंने 4 पंक्तियां नहीं लिखी कभी। लेकिन 370 के बाद मेरे मन ने कहा कि नहीं यार कुछ लिखो और मैंने सही ढंग से लिख दिया हो। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल होगा जम्मू कश्मीर कैसा महसूस करता है वो मैं इस गीत में पढ़ता हूं। वाह। कि अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में। क्या बात है। अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में। अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में। जेहादों की कमर तोड़ दी लोकतंत्र की लाठी ने। जेहादों की कमर तोड़ दी लोकतंत्र की लाठी ने। अब कश्मीरी पंडित भैया वापस घर को जाएंगे। अब कश्मीरी पंडित भैया वापस घर को जाएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे। क्या बात है यश भैया जिंदाबाद। फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में। जेहादों की कमर तोड़ दी लोकतंत्र की लाठी ने। अब कश्मीरी पंडित भैया वापस घर को जाएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे। और देखना आप कि खुशियों की बरसातें होंगी कश्मीर की गलियों में। खुशियों की बरसातें होंगी कश्मीर की गलियों में। फिर से स्वर्ग बनेगी घाटी चर्चा होता कलियों में। फिर से स्वर्ग बनेगी घाटी चर्चा होता कलियों में। अब आतंकवाद के आका मोदी से घबराते हैं।
अब वो आतंकवाद के आका मोदी से घबराते हैं, झीले और शिकारे दोनों आपस में बतियाते हैं, झीले और शिकारे दोनों आपस में बतियाते हैं, फिर से देसी और विदेशी, फिर से देसी और विदेशी यहाँ घूमने आएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे, सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे, कि हमने वीर मुखर्जी को भी इस घाटी में खोया था। क्या बात खोया है, हमने बात है यश भाई, कि हमने वीर मुखर्जी को भी इस घाटी में खोया था, हमने वीर मुखर्जी को भी इस घाटी में खोया था, तुमको याद नहीं है उस दिन भारत कितना रोया था, तुमको याद नहीं है उस दिन भारत कितना रोया था, अब जाकर सम्मान मिला। एक बार यश के लिए तालियां और बिखर जाएं, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छे यश भाई, कि हमने वीर मुखर्जी को भी इस घाटी में खोया था, तुमको याद नहीं है उस दिन भारत कितना रोया था, अब जाकर सम्मान मिला गुरु नानक की संतानों को, अब जाकर सम्मान मिला गुरु नानक की संतानों को, घाटी भुला नहीं पाएगी वीरों के बलिदानों को, घाटी भुला नहीं पाएगी वीरों के बलिदानों को, घाटी में आतंकवाद के, घाटी में आतंकवाद के निशा नजर ना आएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक मोदी मोदी गाएंगे, अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में, अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी। और आपके मन की बात कहता हूँ, स्वागत कि 56 इंची सीने की दुश्मन ताकत पहचान गया, 56 इंची सीने की दुश्मन ताकत पहचान गया, जो कहता है करता है उसकी आदत को जान गया, जो कहता है करता है उसकी आदत को जान गया, अब आजाद तिरंगा घाटी में घर घर लहराएगा, अब आजाद तिरंगा घाटी में घर घर लहराएगा, लाल चौक पर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, लाल चौक पर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, लाल चौक पर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, लाल चौक पर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। क्या बात है भाई यशपाल यश, वाह वाह वाह, घाटी की किस्मत में फिर से, घाटी की किस्मत में फिर से भैया अच्छे दिन आएंगे। सच कहता हूँ सदियों तक वो मोदी मोदी गाएंगे, अमन चैन के फूल खिलेंगे अब केसर की घाटी में। वाह 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 वाह, और पढ़ना ही चाहिए, एक बार तालियां बजाइए, गीत और सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, 7-4 बजे तक का टाइम है। अब मैं दुपट्टे क्यों बढ़ूं, अब दुपट्टे का कोई काम रहा है क्या? अब कुछ और पूछ लो यार। हाँ स्वागत, देखो मैं अब आज एक ऐसा गीत पढ़ूं, तालियां बजाना मत बजाना कोई संकट नहीं, मैं महावीर मंच पे खड़ा हूँ, भगवान महावीर के मंच पे खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल शाश्वत प्रेम की बात करना चाहता हूँ, वो प्रेम की बातें बहुत होती हैं, मैं उस तरह की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिल में कुछ न कुछ करने लगे, वो गीत स्वागत। शायद मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो किसी भी मंच पे नहीं पढ़ा, अगर आपने पास कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। स्वागत स्वागत यश भैया, मेरी कापियां जांचिए आप। लो लो आ गया, लो आ गया गंगा किनारे पर हमारा प्यार, मेरे यार चल सौगंध खाए, चलो सौगंध खाए। बढ़िया, लो आ गया गंगा की
किनारे पर हमारा प्यार मेरे यार चल सौगंध खाए चलो सौगंध खाए और बंद कि विश्वास गंगा जल पिए मदहोश है बढ़िया विश्वास गंगा जल पिए मदहोश है साधना की पायलों में जोश है और भावना ने भाव का चुम्बन लिया बासना का ज्वर अभी खामोश है वासना का ज्वर अभी खामोश है लो आ गया हरिद्वार पर इजहार मेरे यार चल सौगंध खाए चलो सौगंध खाए प्यारा जी कि श्वास ने सातों वचन भरवा लिए भोज पत्री पर सजन लिखवा लिए सोलवे सोपान पर आशा मिली उम्र ने अमृत कलश छलका लिए लो मान लो अनुराग का आभार मेरे यार चल सौगंध खाए चलो सौगंध बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे